गाजियाबाद में जुम्मे की नमाज के बाद हालात सामान्य रहे, इसको लेकर जिला प्रशासन अलर्ट दिखाई दे रहा है। वहीं आपको बता दें कि गाजियाबाद के एसएसपी सुधीर कुमार सिंह और जिला अधिकारी अजय शंकर पांडे सुबह से ही गाजियाबाद के अलग अलग इलाकों में जाकर लोगों को समझा बुझा रहे हैं, साथ ही स्थिति सामान्य रहे इस बात का निरीक्षण भी किया है। देखिए आज हम आज की जो राउंड पर हैं, हम और डीएम साहब और ये दूधिया पीपल जहां हम लोग खड़े हैं वहां पर आए हैं। ये जनपद का सबसे संवेदनशील स्थान है और मिक्स पॉपुलेशन वाला स्थान है। पुलिस पूरी तरह सतर्क है, जैसा आप लोग देख रहे हैं। हमने और डीएम साहब ने कल भी शाम को पुलिस फोर्स को ब्रीफ किया था और अब पुनः मौके पर जाकर ब्रीफ कर रहे हैं। पुलिस एंटी राइट इक्विपमेंट्स के साथ है और पूरी तरह सतर्क है। जो पोस्टर्स थे उसके सहारे और जो सीसीटीवी फुटेज थे उसके सहारे लोगों को पहचाना गया। कुछ बाहरी तत्व भी पिछली बार उसमें दिखाई दिए थे, इस बार लोगों की मीटिंग करके उनसे ये बताया गया कि कोई बाहरी तत्व अगर दिखाई देता तो उसको पुलिस को सूचित करें। और लोगों ने आश्वासन भी दिया है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार पुलिस की सतर्कता के नाते, जो हमारी सेक्टर जोनल स्कीम लगी है उसके नाते और लोगों का जो विश्वास जगा है उसके नाते, ये जो जुम्मे की जो नमाज है वो सकुशल निपटेगी। मोहम्मद शाहिद सर, जुम्मे की नमाज के बाद सीए के खिलाफ यहाँ विरोध प्रदर्शन हुआ था और पत्थरबाजी भी हो गई थी, सर आज क्या हाल चाल है भट्टे का? आज यहाँ ऊपर वाले का शुक्र है, सब शांत माहौल है। प्रशासन ने भी अपनी पूरी तैयारी की हुई है और हम लोगों ने भी अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए यहाँ सभी जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं हमारे और अपना सब देख रहे हैं कि कोई इस तरह की किसी तरह की कोई घटना ना हो जिससे कि गाजियाबाद का नाम ख़राब हो। पिछले शुक्रवार को जो है कुछ असामाजिक तत्व बाहर के आकर के उन्होंने माहौल को फिजा को ख़राब कर दिया था, वैसा भी कुछ नहीं था, लेकिन हम लोगों को पूरी ऐसी उम्मीद भी नहीं थी कि इस तरह का माहौल यहाँ क्रिएट हो जाएगा, लेकिन कुछ बाहरी लोगों ने आकर के उसे कर दिया जिसका खामियाजा गाजियाबाद को भुगतना पड़ा। लेकिन गाजियाबाद में बहुत शांति का माहौल है और इंशाल्लाह ऐसे कोई काम गाजियाबाद में नहीं होने दिया जाएगा। आज माहौल शांत है, ऊपर वाला शुगर है, कोई किसी तरह की कहीं से कोई आशंका नहीं। नमाज हो चुकी है, नमाज काफ़ी मस्जिदों में हो गई है, एक दो मस्जिदों को छोड़कर। हमारी सबसे बड़ी गाजियाबाद की ईदगाह मस्जिद है, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ उसमें। हम लोगों ने, हमारी कमेटी ने वहाँ पर खड़े होकर के एक एक जो भी लोग हैं नमाज पढ़ने आने वाले उनको सबको अपने घर भेज करके और यहाँ हम लोग अपनी जिम्मेदारी देते हुए खड़े हैं सब लोग। मैं नईम इकबाल, यहाँ समाज सेवी हूँ मैं और हम लोग यहाँ प्रशासन के साथ मिलकर काम करते हैं। आज व्यवस्था यहाँ बिल्कुल सटीक रही, रात भी हमारी एक पीस कमेटी की मीटिंग हुई थी, मैं पीस कमेटी का भी मेंबर हूँ कोतवाली में, तो पूरी व्यवस्था यहाँ शांतिपूर्ण बनी हुई है। शुक्रवार को कुछ हिंसक भी हो गई थी यहाँ, किस तरीके से देखते हैं नागरिकता संशोधन बिल को लेकर? हाँ, अगर हमारा लोगों से कहना ये था, अगर आपको अपोज करना है अपोज करें, लेकिन तरीके से, शांति से। हमारा काम शांति व्यवस्था को बरकरार रखना है यहाँ पर। किसी तरीके का अगर किसी को विरोध प्रदर्शन करना है तो प्रशासन की उसमें अनुमति लें और अपना विरोध प्रदर्शन करें, अपने जो ज्ञापन है वो दें, लेकिन शांति बनाए रखें। पिछली बार काफ़ी बवाल हुआ था जो अब पूरी तरीके से थम गया है, अब पूरी तरीके से शांति बनी हुई है, चारों तरफ की दुकानें हैं, सब पुलिस प्रशासन के साथ हैं। हाँ, पुलिस प्रशासन का यहाँ पूरा सहयोग है, पुलिस प्रशासन के साथ लोग यहाँ काम कर रहे हैं और जो पिछले शुक्रवार में हुआ था यहाँ उसे अब पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया गया। नमाज जो है यहाँ हो चुकी है? हाँ, नमाज कुछ मस्जिदों में नमाज हो चुकी है, कुछ एक दो मस्जिदों में नमाज रह गई है, वो भी शांतिपूर्ण हो जाएगी जैसे सब जगह हो गई है। एसपी साहब यहाँ बैठे हैं, डीएम साहब यहाँ बैठे हैं, पूरी व्यवस्था यहाँ पहुँच सकी है।